Hey, welcome back everybody. Today I will talk to you about psychosis. But before that, I want to tell you a situation. Just think कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने जाते हैं एंड वहाँ पर आप बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको नुकसान पहुँचाने वाले हैं और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो सोचिए कैसा होगा. सो That is like something psychosis. कुछ ऐसा ही होता है psychosis. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे psychosis के बारे में डिटेल में और ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक. लेकिन उसके पहले अकेडमी आपके लिए लाया है रिवाइजेथन, जो कि आपके MHSAT दिसंबर 2020 में आपकी हेल्प करेगा. इसको 1 दिसंबर से शुरू किया गया था. यह एक अल्टीमेट रिवीजन क्लास सीरीज होगी जिसमें आपका सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा और यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा. कल अर्थात 3 दिसंबर का यहाँ पर कंप्लीट प्लान दिया गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे और किस टाइम पर मिलेंगे. आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट, उसके बाद सब्जेक्ट जैसे कि आपका कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत और मैनेजमेंट. इन सभी सब्जेक्ट के इन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इस टाइम पर. यहाँ पर आपको टेबल पर दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा. ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ पर इनरोल कीजिएगा. और हाँ, आपको बता दूँ किसी भी तरह से इनक्रीज हो सके, किसी भी तरह का प्राइस हाइक हो, उससे पहले आप आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट साइकोसिस. साइकोसिस अफेक्ट हाउ अ पर्सन थिंक्स एंड देयर परसेप्शंस. सो जस्ट रिमाइंड अगेन, साइकोसिस अफेक्ट करता है कि कैसे कोई पर्सन थिंकिंग करता है एंड उसके परसेप्शंस कैसे होते हैं. देयर सेंसेस में सीम टू डिटेक्ट थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, यानी उनके सेंसेस इस तरह से सेंसिंग करना शुरू कर देते हैं कि जिन चीज़ों का अस्तित्व भी नहीं होता है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहाँ पर आपको लगता है नहीं, लोग मुझे ही घूर रहे हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है कि आपको सामने कोई ऐसी वस्तु दिख रही हो जो वास्तव में हो ही ना, है ना. सो जस्ट कीप इन माइंड साइकोसिस में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें भी इंसान को सेंस होती हैं जो अस्तित्व में होती ही नहीं है. एंड दे मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन वॉट इज रियल एंड ट्रू, यानी जब ये साइकोसिस की प्रॉब्लम होती है एट दैट टाइम पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट्स द रियलिटी, उनका रियलिटी से वास्तविकता से सामना अच्छी तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि उनका जो थिंकिंग होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है. नाउ लुक ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी द पीपल हु सफर फ्रॉम साइकोसिस. दे कैन हियर वॉइसेस लाइक दैट आर नॉट इन रियलिटी इन द एनवायरनमेंट, यानी जो आवाज़ें एनवायरनमेंट में होती ही नहीं है वो उनको सुनाई दे सकती हैं. एंड सी द पीपल और आइटम्स दैट आर नॉट देयर, जो चीज़ें हैं ही नहीं वो उनको दिखाई दे सकती हैं. एंड स्मेल ऑर्डर्स दैट अदर पीपल कैन नॉट डिटेक्ट, यहाँ पर डिटेक्ट लिखा हुआ है, यानी उनको उस तरह की स्मेल आती है जो वास्तव में होती नहीं है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन साइकोसिस लोगों का जो पर्सन का जो थिंकिंग होता है, जो परसेप्शन होता है, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर इजली, ओके. सो हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी साइकोसिस के मैंने कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. साइकोसिस इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कीप इन माइंड साइकोसिस इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिकॉज इन द साइकोसिस लोगों की जो थिंकिंग का पैटर्न होता है बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करता है. एंड लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, साइकोसिस में रियलिटी नहीं रहती है बिकॉज उनका परसेप्शंस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुका होता है. एंड
साइकोसिस करेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। नेक्स्ट कॉजेज इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरपर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शंस। सीधी सी बात है, जब लोगों का जो थिंकिंग परसेप्शन मेथड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो उनका जो सोसाइटी में उनका सोशल इंटरेक्शन है, जो इंटरपर्सनल जो एक्शन होता है और जो उनका ऑक्यूपेशनल फंक्शंस होते हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए उनको सोसाइटी में बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द वार्निंग साइंस बिफोर साइकोसिस, यानी किसी को साइकोसिस होने से पहले कौन से साइन हो सकते हैं। सो आई ड्रॉप इन ग्रेड्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, यानी इनिशियल स्टेज की बात है, तो जब लोगों का रियलिटी से वास्ता नहीं रहता है, तो एट दैट टाइम वो अपने जो कार्य करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो उसमें कमी आने लगती है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके ग्रेड्स में कमी आने लगती है। नेक्स्ट ट्रबल थिंकिंग क्लियरली ऑन और कंसंट्रेटिंग, यानी वो ईजली थिंकिंग नहीं कर पाते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सस्पिशियसनेस और अनईज अराउंड अदर्स, यानी अपने आसपास डाउट करने लगते हैं और ईजली नहीं रह पाते हैं। लैक ऑफ सेल्फ केयर एंड और हाइजीन, सो यू कैन अंडरस्टैंड जब किसी का जो थिंकिंग लेवल है, जो रियलिटी से वास्ता है, वो कम होने लगा है, एट दैट टाइम उनका सेल्फ केयर भी कम हो जाता है। स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन देन यूजुअल, वो ज़्यादा अकेले समय बिताना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द वार्निंग साइंस बिफोर साइकोसिस। इफ इन योर सोसाइटी समटाइम्स यू फील कि अगर किसी को ऐसे साइन आते हैं, एट दैट टाइम यू कैन थिंक कि इसे कुछ प्रॉब्लम है, सो यू मस्ट हेल्प हिम और हर। ओके एंड नाउ मोर पॉइंट, stronger emotions than situations call for. Okay, sometimes a person can feel very stronger emotions, जिसमें उनको help की need होती है, and no emotions at all, and sometimes उन्हें कोई emotion भी feel ना हो, वो अपनी thinking में flat हो जाते हैं, they doesn't feel anything. Now next, sign of early psychosis. जब psychosis हो जाता है तो symptoms जो होते हैं शुरुआत में क्या होते हैं, so here are the symptoms like hear, see or taste things others don't. यानी उनको hallucinations होने लगते हैं hearing के, seeing के और tasting के, और ये ऐसे hallucinations होते हैं जो मतलब दूसरों के साथ नहीं होते हैं और खुद ही अकेले वो ऐसा feel करते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई person psychosis से है, अगर उसको विजुअल हेल्यूसिनेशन है, तो सीधी सी बात है कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट में केवल उसको दिखाई देंगी जो कि दूसरों को दिखाई नहीं देंगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं दिखने लगती हैं जो कि दूसरों को नहीं दिखती हैं, या फिर ऐसे आवाज़ें भी आ सकती हैं, या फिर ऐसे टेस्ट की बात भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हैंग ऑन टू अनयूजुअल बिलीव्स और थॉट्स नो मैटर व्हाट्स अदर्स से, कोई कुछ भी कहे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका अपना एक थॉट पैटर्न नए तरीके से क्रिएट होने लगता है। पुल अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब उनका रियलिटी से वास्ता नहीं रहता है तो फिर वो अपने आप को फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी अलग कर लेते हैं। स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, देयर सेल्फ भी कह सकते हैं। सो सिंपल थिंग इज दैट कि वो खुद से केयर नहीं कर पाते हैं। And not be able to think clearly or pay attention, यानी ये चीज़ों पर जो attention होता है उन चीज़ों पर उनका focus नहीं रहता है। So just remind again, early stage में जो symptoms हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, और इसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इन दोनों में बस अंतर ये है कि जो अर्ली साइन होते हैं साइकोसिस के, थोड़े ये ज़्यादा सिवियर होते हैं, और इसके बाद अगर कम्प्लीटली साइकोसिस किसी को हो ही जाता है, एट दैट टाइम जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। हेल्यूसिनेशंस लाइक ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, यानी आवाज़ें सुनना जो एनवायरनमेंट में है ही नहीं, या फिर टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, जैसे कि स्ट्रेंज टाइप के सेंसेशंस को फील करना जो कि सच में नहीं होते हैं, या फिर विजुअल हेल्यूसिनेशन, यानी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में है ही नहीं वो उनको दिखाई देती हैं, तो ये विजुअल हेल्यूसिनेशन जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उनको डिल्यूजन भी हो सकता है। डिल्यूजन्स बिलीव्स दैट आरंट इन द लाइन विथ योर कल्चर एंड दैट डोंट मेक सेंस टू अदर्स, लाइक जैसे
आउटसाइड फोर्स आर इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड एक्शंस, यानी जिनको डिल्यूजन्स होता है समटाइम्स दे से दैट कि वो उन्हें कोई सांसारिक शक्ति कंट्रोल कर रही है ना, इस तरह की उनको फीलिंग्स आती हैं। स्मॉल इवेंट्स आर कमेंट्स हैव ह्यूज मीनिंग, उनके लिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो सकती हैं, है ना, जैसे राई का पहाड़ बनाने वाली बात होती है। और इसके बाद यू हैव स्पेशल पावर्स आर ऑन अ स्पेशल मिशन और एक्चुअली आर अ गॉड। समटाइम्स पीपल हु फील डिल्यूजन दे कैन से कि उन्हें स्पेशल मिशन पर भेजा गया है, उनके पास भगवान की शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इस तरह के डिल्यूजन में जीते हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि साइकोसिस में लोगों का जो थिंकिंग परसेप्शन बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उसकी वजह से उनको हैलुसिनेशंस डिल्यूजन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। नाउ देयर आर सम कॉजेस ऑफ साइकोसिस, कॉजेस क्या हो सकते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेस लाइक जेनेटिक्स, ड्रग्स, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि साइकोसिस का कॉज बन सकती हैं। सो नाउ इट्स जी यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द PDF, एंड PDF को आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड वन और टू मोर पॉइंट्स, द कॉज ऑफ साइकोसिस, इंजरीज एंड इलनेस, एंड साइकोसिस कैन ऑल्सो बी सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस लाइक स्किजोफ्रेनिया एंड बायोपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी साइकोसिस में होते हैं। सो आप इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ कैन वी ट्रीट साइकोसिस, सो साइकोसिस कैन बी ट्रीट बाई साइकोसर्जरी एंड शॉक थेरेपी एंड साइकोथेरेपी एंड स्लीप थेरेपी एंड यूज ऑफ ड्रग्स और मेडिसन्स। देर आर लॉट ऑफ काइंड, लॉट ऑफ मेथड्स बाई विच साइकोसिस कैन बी ट्रीट। एंड नाउ वी मोस्टली हियर साइकोसिस विथ न्यूरोसिस, सो जस्ट टॉक दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। कीप इन माइंड न्यूरोसिस इज अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर नॉट अराइजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक डिसीज, इंस्टेड इट कैन अकर फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। जो न्यूरोसिस होता है दैट कैन बी अकर फ्रॉम सिंपली स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, बट जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस इज अ मेजर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड करेक्टराइज बाई मेंटल एंड इमोशनल डिसरप्शंस। साइकोसिस में आपका मेंटल एंड इमोशनल बोथ लेवल पे डिसरप्शंस होता है, सो ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट करता है, सो दिस इज द मेजर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट न्यूरोसिस इज अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ अगेन सम डिफरेंसेस ऑन द स्क्रीन यू कैन सी, इनसाइट इज एब्सेंट, साइकोसिस में इनसाइट नहीं होता है, खुद की अंतर्दृष्टि नहीं होती, बट इन न्यूरोसिस इनसाइट प्रेजेंट, इनसाइट होता है। जजमेंट एंड रीजनिंग इम्पेयर्ड, जो किसी पर्सन का जजमेंट रीजनिंग होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, बट इन न्यूरोसिस जजमेंट एंड रीजनिंग इंटैक्ट होता है। रियलिटी कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो जाता है, रियलिटी कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होता है। डिल्यूजन्स यूजुअली प्रेजेंट, यानी साइकोसिस में डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स आर एब्सेंट इन न्यूरोसिस। एंड ट्रू हैल्यूसिनेशंस यूजुअली प्रेजेंट, ट्रू हैल्यूसिनेशंस आर यूजुअली एब्सेंट इन न्यूरोसिस, एंड चेंज इन पर्सनैलिटी मे बी देयर। साइकोसिस में किसी की पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, बट न्यूरोसिस में जो पर्सनैलिटी का चेंज होना है ये एब्सेंट होता है। सो बाय दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज साइकोसिस एंड व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। सो रिवाइज दिस अगेन, रीड बाय द PDF, एंड जस्ट बाय दिस यू कैन लर्न व्हाट वाज द साइकोसिस। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।